हाँ जी फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के हिसाब से उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए, 361 सैंपल्स पेशेंट के कलेक्ट किए। उनमें से उन्होंने देखा है कि 220 सैंपल में ये नया वायरस स्ट्रेन, जिसको हम B1617 स्ट्रेन कोरोना वायरस का बोलते हैं, ये पाया गया है। इसके हिसाब से इसमें 61% सर्ज आई है इन इन्फेक्शन रेट में। हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है डॉक्टर हरप्रीत सिंह। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आया है B1617 वेरिएंट, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलो करते हैं अपना ये वीडियो शुरू। ये स्ट्रेन का ये माना जा रहा है कि ये स्ट्रेन अनप्रडिक्टेबल वायरस का स्ट्रेन है जो एकदम से सर्ज हुआ है अभी। ये स्ट्रेन है B1617, इसको हम डबल म्यूटेशन वेरिएंट बोलते हैं, जो अभी महाराष्ट्र में कलेक्टेड सैंपल में पाया गया है। ये स्ट्रेन ज़्यादा डेंजरस है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये रैपिडली स्प्रेड करता है। ये स्ट्रेन के दो तरह के म्यूटेशंस हैं, जिसको E484Q और L452R, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में कंबाइंड वेरिएंट पाया गया है। ये हमारे लिए ग्रेटर कंसर्न या सिर दर्द का प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं ये फटाफट उनको रिमूव करता है हमारी ह्यूमन बॉडी से, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस रेट से फैलता है। ये स्ट्रेन अभी महाराष्ट्र में पाया गया है, पर अभी मानना है कि पंजाब और दिल्ली में भी ये स्ट्रेन पाया जाएगा जल्दी। तो इसकी स्प्रेड बहुत फास्ट हो रही है। तो वैसे ये यूके यूएसए में भी ये स्ट्रेन आने की संभावना है। वैसे तो ये स्ट्रेन इंडियन स्ट्रेन है, तो आगे देखते हैं जैसे स्टडीज़ और रिसर्च निकलती है। ये स्ट्रेन अभी तक का सबसे डेंजरस स्ट्रेन है क्योंकि ये एक फैमिली मेंबर से दूसरे फैमिली में बहुत जल्दी फैलता है। इसका स्प्रेड की वजह से इसको डेंजरस माना जा रहा है। दूसरा, इसकी म्यूटेशन, डबल म्यूटेशन की वजह से डेंजरस माना जा रहा है। वैसे माना गया है कि जो जिस पेशेंट को ये स्ट्रेन से अफेक्टेड हुए हैं वो होम आइसोलेशन में ठीक रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसका हम अब सीधी सीधी बात करें, ट्रीटमेंट क्या है, तो क्या वैक्सीनेशन इसमें हेल्पफुल है? हाँ जी, जी हाँ, आप कोरोना का वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं, यही हमारे पास एक विकल्प है इस महामारी को रोकने का। अभी इस वायरस पे, स्ट्रेन पे अभी काम चल रहा है, इसके डाटा भी जल्द आ जाएंगे। तो अभी के लिए हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपनी सुरक्षा खुद करो और गवर्नमेंट के ऊपर रिलायबल ना हो। मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि गवर्नमेंट यहाँ कुछ नहीं कर पा रही, हेल्थ सिस्टम हमारा कोलैप्स्ड है। सो इसमें घर पे रहो, काम अपना वर्क फ्रॉम होम करो और पूरी तरह स्वस्थ रहो। टेक केयर।